सो हे गाइस, कल के दिन बैंक निफ्टी को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन कौन सी होने वाले हैं और कहां पर आपको अच्छे तरीके का ट्रेड देखने को मिलेगा। सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद 250 मिनट के चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे आप इन दोनों ही चार्ट के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कल के दिन। तो दोस्तों, अगर मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहा था कि डेली चार्ट के ऊपर दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि 39,900 है, 39,900 को ब्रेक करेगा तो आपको अपसाइड का एक कंटिन्यू मूव देखने को मिलेगा। आज के दिन देखेंगे तो दोस्तों एक बुलिश कैंडल बनी है और दोस्तों एक ये बुलिश कैंडल बन के दोस्तों आपको एक 40,200 के ऊपर ही आपको क्लोजिंग देखने को मिली है मार्केट की। तो दोस्तों मार्केट एक बुलिश मोड के अंदर आ गया है और दोस्तों यहाँ पर मार्केट एक अपसाइड का ट्रेंड अब यहाँ से अपसाइड ही निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या करना है, जो डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं तो दोस्तों वो इस कैनल के नीचे अपना एसएल शिफ्ट कर लें, क्योंकि दोस्तों इस कैनल के नीचे जाने के बाद वापस एक बार बेरिश साइड में जा सकता है। तो दोस्तों अभी बुलिश साइड में है मार्केट, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस कैनल का ऊपर एसएल लगा दीजिए। अगला जो आपको टारगेट मिलने वाला है वो दोस्तों आपको मिलने वाला है 40,500 का टारगेट, आपको यहाँ पर कल के दिन देखा सकता है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों यहाँ पर भी केयरफुली होकर ट्रेड कीजिए। अभी देख लेते हैं दोस्तों आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, और तब तक दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। निफ्टी के बनिस्पत दोस्तों आप बैंक निफ्टी आज के दिन काफी पॉजिटिव थी, गैप अप ओपनिंग हुई लगभग 300 पॉइंट, यहां पर 308 पॉइंट्स के आसपास यहां पर गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के बाद दोस्तों कंटिन्यू आपको अपसाइड का मूव दिखाया, यानी कि दोस्तों यहां पर कंटिन्यू अपसाइड जाने के बाद दोस्तों अपसाइड ही क्लोज किया 40,242 के ऊपर यहाँ पर ये क्लोजिंग हुई है और दोस्तों काफ़ी अच्छी यहाँ पर क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। अब दोस्तों अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और दोस्तों आज का ये हाई निकालता है कल के दिन, यानी कि दोस्तों 40,050 के लेवल को अपसाइड में ब्रेक करता है, 40,050 के लेवल को अपसाइड में ब्रेक करता है तो दोस्तों आपको सबसे पहला जो टारगेट देखने मिलेगा वो मिलेगा 40,400 का टारगेट, और उसके बाद 40,550 और 500 का टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी केयरफुली होकर ट्रेड कीजिएगा अपसाइड के अंदर, और डाउन साइड में निकलता है दोस्तों तो 39,900 के लेवल को अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है, यानी कि दोस्तों इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो दोस्तों यहां पर आपको डाउन साइड का एक मूव अच्छा देखने को मिलेगा फ्लैट ओपनिंग के बाद। अगर दोस्तों गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होता है तो दोस्तों यहां पर अपने को प्राइस एक्शन को समझना होगा और प्राइस एक्शन को समझते हुए आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा। अगर ये प्राइस एक्शन आपको समझ में नहीं आता है तो दोस्तों डेफिनेटली इस चैनल पर मैं 9:10 के ऊपर लाइव रहता हूं और लाइव मार्केट के अंदर बताता हूं कि आपको कॉल या फिर पुट लेनी चाहिए या फिर कौन सा आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में मैं यहां पर मार्केट में आपको हेल्प करता हूं और लर्निंग वाले आपको लर्निंग देता हूं कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मैं लाइव आता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप नहीं लाइव ज्वाइन कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए, जिसमें दोस्तों आप में आपको जो लाइव आते ही आपको मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मार्केट ओपनिंग से पहले आपको बैंक निफ्टी निफ्टी और स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह सारे मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह से बैंक निफ्टी को आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक कीजिए और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।